और इस वक्त की बड़ी खबर, अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आपको बता दें, अमित शाह ने खुद इस बात की जानकारी दी है। देश के गृहमंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमित शाह की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया गया और ट्वीट कर उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह की तरफ से बाकायदा इसको लेकर ट्वीट किया गया है और ट्वीट कर उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी और ये बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें, अब से 5 मिनट पहले उन्होंने ये ट्वीट किया। क्या लिखा है वो भी आपको बता दें। उन्होंने लिखा, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। तो ये ट्वीट गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है। अब से 5 मिनट पहले ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी। अमित पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, और क्या जानकारी मिल पा रही है? अब से 5 मिनट पहले ट्वीट कर अमित शाह ने बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव है। जी, उनको पिछले कुछ दिनों से लक्षण थे, तो उन्होंने कुछ दिनों पहले टेस्ट करवाया था जिसकी रिपोर्ट यहाँ पर पॉजिटिव आई है और उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट के आधार पर उन्होंने कहा है कि शुरुआती लक्षण पर उन्होंने टेस्ट करवाया है और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है और डॉक्टर की सलाह पर वो आराम कर रहे हैं और उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि उनके संपर्क में पिछले कुछ दिनों से जो लोग आए हैं वो एहतियात बरते, अपने आप को क्वारंटीन करें। तो अभी फिलहाल उनकी तबीयत से यहाँ पर डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है और अभी फिलहाल उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। किस अस्पताल में भर्ती होने के बाद ट्वीट में कही अमित शाह ने? देखिए, अभी वो अस्पताल में भर्ती हैं यहाँ पर और उचित डॉक्टरों की सलाह से उनका इलाज किया जा रहा है अस्पताल। अमित, आप रहिए हमारे साथ, एक बार अपने दर्शकों को ट्वीट दिखा दें जो अब से कुछ ही मिनट पहले अमित शाह की तरफ से किया गया है। उन्होंने लिखा है, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये ट्वीट अमित शाह की तरफ से किया गया है, जिसमें आगे उन्होंने लिखा, मेरी तबीयत ठीक है लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर, उन्होंने जानकारी दी कि डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। तो यह ट्वीट अमित शाह ने किया और खुद इस बात की जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, इस बात का जिक्र भी उन्होंने अपने ट्वीट में किया है। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब अमित, यानी लक्षण नहीं थे अमित शाह में, अब उसके बाद टेस्ट क्या डॉक्टरों की सलाह पर करवाया या खुद से उनकी तरफ से ये कदम उठाया गया? जी, डॉक्टरों की सलाह पर उनका टेस्ट कराया गया था और उसके बाद अब उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। लेकिन फिलहाल जो अब जो सिम्टम्स से जो तकलीफ है वो बहुत ज्यादा नहीं है, जो बॉडी सिम्टम्स है वो रिस्पॉन्ड कर रही है और जिस हिसाब से एक कोरोना के शुरुआती लक्षण होने चाहिए उस हिसाब से बॉडी का मेटाबॉलिज्म उनका काम कर रहा है और फिलहाल उनको डॉक्टर ने आराम करने की यहाँ पर सलाह दी है। अस्पताल में उनके भर्ती होने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है और उनको यही सलाह दी गई है कि वो आराम करें और जितने लोग पिछले एक हफ्ते के दौरान उनके संपर्क में आए वो अपनी जांच कराएं और अपना वो भी इलाज करवाएं अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो। अमित, ये भी अमित शाह ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर लें। अब ऐसी जानकारी मिल पाई है कि कुल कितने लोग